वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, होशबाश होंगे। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार सा चिकन देगी पुलाव। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत मज़े का बनता है। तो उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक पूरी ज़रूर देखिएगा। एक लिया है मीडियम साइज़ का प्याज, उसे स्लाइसिस में काट लिया है। 1/2 kg चिकन लिया है। 3 कप चावल लिए, उनको आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। चावलों और चिकन की क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिया है। 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है। 1 टेबल स्पून पुलाव मसाला लिया है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं या घर में भी इसको पीस के बना सकते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप डेमो ज़रूर करें, मैं आपको ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। 1 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है। सॉल्ट की क्वांटिटी भी आप अपनी मर्जी और टेस्ट के मुताबिक रखें, क्योंकि कुछ लोग पुलाव में सॉल्ट ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोग कम। और ये जो मसाला होता है पुलाव मसाला, इसमें भी होता है थोड़ा सा नमक, तो फिर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रखें। एक मैंने छोटे साइज़ का टमाटर लिया है। 3 हरी मिर्चें ली हैं, उनको ऐसे स्लाइसिस में काट लिया है। 1/2 कप ऑयल लिया है। थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, थोड़ी सी काली मिर्च और ज़ीरा लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने कुटा हुआ लहसुन लिया है। आइए देखते हैं कैसे बनता है। फ्लेम ऑन कर दिया और ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। और ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हम प्याज। और इसको कलर देंगे, इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना आपने। क्योंकि पुलाव, जो भी पुलाव जिस किस्म का भी आप बनाते हैं, पुलाव में थोड़ा सा कलर होगा तो वो पुलाव होगा। तो वैसे तो नॉर्मली जो चावल बनाएं आप, तो उसमें प्याज अगर डालते हैं तो प्याज को थोड़ा सा कलर देना ज़रूरी होता है। बिरयानी वगैरह में इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप पुलाव बना रहे हैं तो फिर पुलाव ब्राउन कलर का होता है, तो प्याजों का कलर अच्छा होना चाहिए, तो फिर आपका पुलाव भी अच्छा बनेगा। इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। प्याजों का हमने कलर निकाल लिया है और इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। 1 टेबल स्पून पानी लगाऊंगी इसमें हल्का सा, और ऊपर से बंद कर दूंगी। बस कुछ सेकंड के लिए इसको बंद करना, ताकि छींटे आपके ऊपर ना आए। जब तेल में आप पानी डालते हैं तो फिर वो उसके छींटे बाहर आना शुरू हो जाते हैं, तो एहतियात के लिए आप ढक्कन ज़रूर लगा लो। अब यहाँ पर मैं डालूँगी लहसुन, और इसको 10-15 सेकंड के लिए हल्का सा भूनूंगी। और इसके अंदर डाल दूंगी मैं चिकन। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। अब साथ ही मैं टमाटर डाल देती हूँ, ताकि टमाटर गल जाए अच्छे से। चिकन को भूनना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। इतना भूनना है इसको, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसका कलर बिल्कुल वाइट हो जाए। उसके बाद फिर बाकी मसाले डालेंगे। चिकन को हमने 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लिया है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसमें डालूंगी खड़े मसाले। नमक और जो मैंने पुलाव का मसाला लिया हुआ था वो डालूंगी। गरम मसाला और चिली फ्लेक्स। और इसको भूनना है 4 से 5 मिनट। इसको अच्छे से भूनना है ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। अभी से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है।
जब आप इसको ट्राई करेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। पाँच मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें, थोड़ी सी अभी डालूंगी और थोड़ी सी गार्निश के लिए छोड़ दूंगी। मिक्स करूंगी इसको। तीन कप मैंने लिए थे चावल और 3.5 कप तकरीबन 3 कप से आधा कप ऊपर मैंने ले लिए पानी, वो मैं इसके अंदर डालूंगी क्योंकि चावल मैंने काफ़ी देर से भिगो के रखे हुए थे तो वो आसानी से इस पानी में पक जाएंगे। अगर आपने चावल भिगो के पहले से नहीं रखे हुए तो फिर आप 3 कप चावल ले रहे हैं तो फिर आप 5 कप पानी ले लें तो आपके चावल उसमें आसानी से पक जाएंगे। तो मेरे ये 3.5 कप में आसानी से पक जाएंगे चावल। अब पानी को उबाल आने देंगे फिर इसके अंदर डालेंगे चावल। पानी को उबाल आना शुरू हो गया है तो इसमें डालूंगी मैं चावल। मिक्स करना आराम से। अब पानी जो खुश्क हो जाएगा जब तब भी हम इसको दम पे लगा देंगे, तो अभी पानी के खुश्क होने का वेट करेंगे तो फिर इसको दम पे लगाएंगे। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है, अब फ्लेम बिल्कुल मीडियम करेंगे और इनको रखेंगे दम पे 20 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने रखना है, जो दम वाली फ्लेम होती है उस पर तकरीबन 20 मिनट के लिए। चावलों को दम पे रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं, आइए चेक करते हैं। माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे चावल बने हैं, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बने हैं। बिल्कुल देगी चावल जैसे आप खाते हैं वैसे इसका टेस्ट होगा, इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं डिश आउट करके आपसे मिलती हूँ। मज़ेदार सा देगी चना पुलाव रेडी है, बहुत अच्छा बना है, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। वही पुलाव है जो आप किसी शादी में या फंक्शन में खाते हैं, बहुत मज़े का बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।